नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज रोज की भांति अखबारों के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। मैं बताऊंगा कि आज के अखबारों में क्या है। मेरे पास हैं रोज की तरह चार अखबार, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। इन चारों अखबारों ने क्या लगाई हैं सुर्खियां, क्या छापा है, क्या छिपाया है, क्या बताना चाहा है और क्या इशारों में कह गए हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने क्या लिखा है। पहला, इन्होंने बताया है कि ममता की चोट पर नप गए कई अफसर। ममता की चोट पर नप गए कई अफसर, पश्चिम बंगाल की खबर को इन्होंने प्रमुखता दी है और यह बताने की कोशिश की है कि जो ममता दीदी के पैर में नंदीग्राम में चोट आई थी, जिसे टीएमसी ने हमला करार दिया था, उस पर कई अफसर नप गए हैं। अखबार लिखता है कि कौन कौन से अफसर नपे हैं, ये मैं आपको बताऊं कि सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय और मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। एक बार और बता दें, अखबार यह लिखता है कि सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय और मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। मिदनापुर के डीएम विभू गोयल को हटाने के आदेश दिए गए हैं और उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाए जाने को कहा गया है। ये चीजें हुई हैं, इन लोगों को सस्पेंड किया गया और मिदनापुर के डीएम विभू गोयल को उनके पद से हटा दिया गया है और चुनाव ड्यूटी से इन्हें विरत रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी ने 31 मार्च तक कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। आयोग ने स्टार प्रचारकों की रैलियों के लिए सुरक्षा के मानकों पर दोबारा दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि इसे हमला नहीं करार दिया गया है, टीएमसी इसे हमला बता रही है, इसे दुर्घटना करार दिया गया है। टीएमसी अब भी इस बात पर कायम है कि यह साजिशन हमला था। बीजेपी चुनाव आयोग से कहा है कि उस अस्पताल से रिपोर्ट मांगी जाए जहां ममता का इलाज हुआ है, चोट से जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक की जाए, क्योंकि ममता दीदी जो हैं वो ये कह रही हैं कि यह साजिशन हमला था। टीएमसी यह कह रही है कि यह साजिशन हमला था, जबकि इसे दुर्घटना करार दिया जा रहा है। और बीजेपी कह रही है कि उनके चोट से जुड़े हर दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, क्योंकि वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। यह चक्कर चल रहा है और अब आगे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो चुनाव लड़ेंगे। एक चीज ये भी आई है सामने, राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता तारकेश्वर से चुनाव लड़ेंगे और मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो को टालीगंज विधानसभा से टिकट दिया गया है, यानी कि सांसद अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये प्रमोशन है या डिमोशन, ये खुद बाबुल सुप्रियो तय करें या पार्टी तय करे, क्या चक्कर है, ये पार्टी की अंदरूनी मामला है। तो ये नवभारत टाइम्स ने लिखा है। आगे हम चलते हैं दूसरे अखबार अमर उजाला पर। यह अमर उजाला क्या लिखता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएं कि इसने भी अपनी जो प्रमुख खबर बनाई है मोटे मोटे अक्षरों में, वह है लापरवाही में ममता के सुरक्षा निदेशक व एसपी निलंबित, डीएम का तबादला। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई चीज लपेटने की कोशिश नहीं की गई है, समझाने की कोशिश नहीं की गई है, सीधा जो हुआ है वही छाप दिया है।
चुनाव आयोग की कार्रवाई, कहा सीएम ममता पर हमला नहीं सुरक्षा चूक। ये हमला नहीं सुरक्षा चूक, जैसा कि अन्य अखबारों ने लिखा है। अखबार यह लिखता है कि आयोग ने ममता के सुरक्षा निदेशक आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को तत्काल हटाते हुए निलंबित किया। पूर्वा मेदिनीपुर के एसपी प्रवीण प्रकाश भी निलंबित कर दिए गए। डीएम विभू गोयल को गैर चुनावी पद पर तबादला कर दिया गया। ये सारी चीजें आयोग ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक में बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय, विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे और विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद नंदीग्राम की घटना को हादसा करार दिया है। आयोग ने इसे हमला नहीं हादसा करार दिया है। तो ये सब चीजें इन्होंने बताया, यानी कि सभी अखबार यही बता रहे हैं। नवभारत टाइम्स ने भी यही बताया, अमर उजाला ने भी यही बताया। खबर यही है तो और दूसरा कोई क्या बताएगा। कुल मिलाकर टीएमसी जो सहानुभूति बटोरने के चक्कर में है और बीजेपी रक्षात्मक मुद्रा में आई हुई है यहाँ पर उनकी चोट को लेकर, क्योंकि कहीं ये चोट उनके वोट बैंक में सेंध न लगा जाए, इसका डर बीजेपी को है। बीजेपी यह कह रही है कि जो भी इनसे इनके इलाज से जुड़े दस्तावेज हैं उसे सार्वजनिक किए जाए, यानी कि अभी भी उसे विश्वास नहीं है कि ये जो हो रहा है, ये जो हुआ है, जो चोट लगी है वास्तव में सही भी है या गलत है, जिसे टीएमसी हमला करा दे रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये छिपी हुई बातें हैं जो पेपर नहीं लिख सकता। हो सकता है ये सारी चीजें हैं। अब अगले अखबार पे नजर डालते हैं, उसकी सुर्खियां क्या है। अगला अखबार हमारा दैनिक हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में क्या छपा है, पहली खबर इसने क्या बनाया है, हम आपको बताएं कि कोरोना की नई लहर का खतरा, कोरोना की नई लहर का इसने कोरोना को अपनी हेडलाइन बनाया है और बनना भी चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आज की स्थिति बताएं तो महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लगातार 1900 कुछ लोग 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि कोरोना फिर लौट रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है। एक तरफ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो दूसरी ओर कोरोना जो है अपने पांव पसार रहा है। इसी खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने अपनी प्रमुख खबर बनाया है और लिख रहा है कि देश में करीब 3 माह बाद बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 25,320 नए मामले सामने आए हैं। पूरे देश में 25,320 नए मामले सामने आए। विशेषज्ञों का कहना है कि हमें अतिरिक्त एहतियात कदम उठाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट को भी इसने छापा है। इसने कहा है कि 24 घंटे में जो नए मामले आए हैं उनमें से करीब 77% 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से हैं। 77%, जबकि अन्य 6 राज्यों में जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनमें कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा शामिल है। ये सारी चीजें हैं। इस साल का नया रिकॉर्ड से अखबार ने मोटे मोटे अक्षरों में कोरोना की संख्या को बताया है। 25,320 नए केस मिले 84 दिन में, सर्वाधिक, यानी कि इस साल का सबसे ज्यादा केस। 96.82% से घटकर 96.75% हुई स्वस्थ होने की दर, यानी कि जो स्वस्थ होने की दर है वो भी घट रही है। चिंता की बात है, ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, जो अखबार बता रहा है ये चिंता की बात है।
की आंकड़े इस तरह से घट रहे हैं। स्वस्थ होने की दर अगर जो घट रही है तो बहुत बड़ा खतरा है। 93% सक्रिय केस 11 राज्यों में 93% सक्रिय केस हैं। महाराष्ट्र की स्थिति को यह अखबार गंभीर बता रहा है, कह रहा है कि महाराष्ट्र में 88, पंजाब में 22 और केरल में 12 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। 73.4% इन तीनों राज्यों में, महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा। प्रोफेसर एम सी मिश्रा, थोड़ा सा व्यवधान आपके सामने उपस्थित हुआ, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आपको बताएं कि प्रोफेसर एम सी मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, क्या कहते हैं कि देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, इसलिए अब केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। एम्स के पूर्व निदेशक हैं प्रोफेसर एम सी मिश्रा, इन्होंने केंद्र को सलाह दी है कि इन्हें सख्त कदम उठाने चाहिए और यह सख्ती सरकार बरते, इसलिए अपने आप पर आप लोगों को भी सख्ती बरतनी चाहिए। बिना मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग किए आप कोरोना से बच नहीं सकते, इसलिए सावधान हो जाइए कि आप यह सोच लीजिए कि हमें कोरोना को मात देनी है तो सैनिटाइजर और मास्क अपने पास, सैनिटाइजर अपने पास रखना होगा और मास्क जो है उसे मुंह पे लगाना ही होगा। अब चौथे अखबार पे आते हैं। चौथा अखबार क्या कहता है, वही गीत गा रहा है, ममता की चोट के पीछे कोई साजिश नहीं, चुनाव आयोग ने सीएम के सुरक्षा निदेशक को हटाया, पूर्व मेदिनीपुर के डीएम और एसपी पर भी गिरी गाज। क्या गाज गिरी है, इसने छुपा गया, एसपी को निलंबित कर दिया गया है और पूर्व मेदिनीपुर के डीएम को तबादला कर दिया गया है और ऐसे पद पर रखा गया है कि उन्हें चुनाव से कोई मतलब ना हो। निष्पक्ष जांच, इसने ममता दीदी को व्हील चेयर पर प्रचार करते हुए दिखाया है, यानी कि पैर टूटा है, वो चल नहीं सकती तो व्हील चेयर का सहारा लेकर वो चुनाव प्रचार कर रही है। साथ ही यह पेपर यह भी बता रहा है कि कौन कौन से अधिकारी, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कौन कौन से अधिकारियों को निलंबित किया गया है और किसे हटाया गया है, इसने सब हेडिंग में ही यह जाहिर कर दिया है। साथ ही मामले में सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय पर जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा में चूक को लेकर एक हफ्ते के अंदर आरोप तय करने को कहा गया है। साथ ही बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को अविलंब नए सुरक्षा निदेशक की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। यह सारी चीजें हैं। आयोग ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के जिलाधिकारी यानी कि डीएम विभू गोयल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह अखबार भी वही सब कह रहा है, यानी कि ममता का चोट कई लोगों की नौकरी पे चोट कर दिया और सबसे ज्यादा चोट बीजेपी के वोट को ना हो, इसलिए बीजेपी दर्द से बिलबिला रही है, क्योंकि ममता जी अब व्हील चेयर पर प्रचार कर रही है, उनको सहानुभूति का वोट ना मिले, इसलिए बार बार बीजेपी कह रही है कि पहले तो उसने मजाक उड़ाया, अब ऐसा लग रहा है कि वो रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है, माफ कीजिएगा, रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है और वो ये कह रही है कि इनके पैर पे जो चोट लगी है और इसका जो इलाज चल रहा है उससे जुड़े जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सार्वजनिक किए जाएं, यानी कि बीजेपी को अभी भी यह गले से नहीं उतर रहा है कि ममता दीदी को चोटें आई हैं। खैर, यह चोट किसका वोट बढ़ाएगा और किसके वोट में सेंध लगाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। अभी जो चारों अखबार थे, इनमें से तीन अखबारों ने
अपनी प्रमुख खबर ममता के चोट को बनाया था, और इसलिए बनाया था कि इनका चोट किसके ओट पर चोट मारेगा यह आने वाला तो समय बताएगा ही। अखबार इशारों में बहुत कुछ कह गए हैं। तो फिलहाल आज के अखबारों से आज तक के लिए अभी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।